दोस्तों एक कहानी सुनाती हूँ, डर के आगे जीत है इस बात की सच्चाई बताती हूँ। हर बार का उसका यही बहाना था, पंख होते हुए भी उड़ना नहीं आता। हर बार का यही बहाना था, पंख होते हुए भी उड़ना नहीं आता। इसी बात पर दिल अटक जाना था। देखकर दूसरों को दिल की हसरत होती थी, वह चिड़िया अपनी कमजोरी पर हर रोज रोती थी। माँ ने लाख समझाया, उसके डर को हिम्मत बनाया, फिर भी मुझे नहीं आता, उसने बस इसी बात का रट्टा था लगाया। माँ ने सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, विश्वास नहीं होगा तो यह जीवन ता उम्र जलेगा। लेना होगा मुझे एक कठिन फैसला, उसके लिए पता है मुझे ये जग बैरी कहेगा। माँ के साथ चलते चलते वह चिड़िया पहुंची उसी पहाड़ पर, जहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत और डर का साया था उसे ऊंचाई पर। विश्वास करना होगा तुम्हें अपने पंखों पर, वह बनी ही आसमां को छूने के लिए है। सीमा के इस पार तुम खड़ी हो और उस पार तुम्हारी मंजिलें हैं। कहकर उसने उस मासूम को उस पहाड़ी से धक्का दिया। चिड़िया घबराई, अपने दिल को उसने मौत के सागर के लिए थाम लिया। माँ की आवाज आई, खोलो अपने पंखों को, वह तुम्हें गिरने नहीं देंगे। उम्र के डर के साथ रहोगी ता उम्र इस डर के साथ रहोगी तो वो तुम्हें जीने नहीं देंगे। मौत के डर से वह चिड़िया फड़फड़ाई और अपने पंखों को उड़ाने के लिए आखिरकार फैलाई। जब मौत के करीब जा रही थी तो होश में आई, अपने डर से निकलकर हिम्मत को अपनाई। वह जमीन को छूती उससे पहले ही उसके पंखों ने उसे दी थी वह ऊंचाई। वह आसमां तलक उड़ी और उड़कर वापस अपनी माँ के पास आई। माँ ने कहा, एक विश्वास की डोर थी जो एक माँ ने अपनी बच्ची में जगाई। और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि सीमा के इस पार हम खड़े होते हैं और उस पार हमारी मंजिल का समा होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।